संतोषी अपना सब सामान समेट रही है, आज छुट्टी खत्म हो गया है, जा रहे हैं अब यहाँ से अपनी माँ के घर से। क्या संतोषी मन उदास है, देखा जरा चलो शिवम। बैठ गया है, एक घंटा लेट है ट्रेन, और देखिए संतोषी उदास हो गई, रो रही है, दिखा दिखा था शांत दिखा। इतना सारा सामान, थक गए पूरा, इतना सारा सामान। A few moments later, तो हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। अभी बजे है 1:30 और सबसे पहले देखा जाएगा पौधों को। चलो 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 अंदर चलो चलो, अपना घर है बेटा, अंदर घुसो, कहीं नहीं घुसे दी सा, आ जा। सबसे पहले देखेंगे पौधा का क्या हाल है, 10 दिन से नहीं थे। हाँ, अरे वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है। चिड़िया भी क्या किया देखिए, हाँ चिड़िया भी क्या किया है, तो चिड़िया घोंसला बना रहा था, कहाँ बना रहा था। 15 दिन में तुलसी जितना बड़ा हो गया, तो एक्चुअली 10 दिन तक ये पेड़ पौधा अच्छा से इसलिए रहा क्योंकि हम अपने एक दोस्त को चाबी दे के आए थे और बहुत अच्छा से ध्यान रखा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। रोज पानी देता होगा पक्का, तभी ये ठीक है। और आज देखिए पानी भी दिया हुआ लग रहा है, तुलसी जी भी बहुत बड़ी हो गई है, और ये वाला पेड़ भी अच्छा लत लग गया, देखिए यहाँ तक पहुँच गया, देखो कितना बड़ा लत हो गया इसका। यहाँ पे बहुत थक गया है आकर के, सीढ़ी चढ़ना पड़ा, बहुत सामान उठाना पड़ा, तो अभी अब आराम करते हैं थोड़ा सा फ्रेश होकर के। सबसे ज़्यादा खुशी है कि हम लोग का पेड़ पौधा अच्छा से था। बहुत अच्छा है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी है ये बात का। सबसे पहले पानी पिएंगे, पहले फ्रिज में लाइट ले देते हैं। और संतोषी यहाँ पे आम सजा रही है, पिताजी ने घर से गाछ का आम तोड़ करके दिया है, तो ये सारे गाछ के आम है, संतोषी का गाछ का आम जो आप बगान देखे थे। 2 hours later आ गई। अभी शिवम गया है लाने के लिए उसको, लेके आओ लेके आओ। क्या हुआ, नहीं आती है। A few moments later, तो जब तक दिविशा ऊपर में बदमाशी कर रही थी तब तक जो है संतोषी अपना नीचे में कुछ साफ सफाई का काम कर ली, तो रूम को जो है बेसिक तरीके से साफ कर ली है, झाड़ू वगैरह देकर के जो कचरा, देखिए अभी कितना कचरा निकला है, और अभी ये बेसिक सफाई है, अभी साफ होने में अभी 1 से 2 दिन तो लगेगा ही घर को। तो अभी शाम हो गया है, हम झोला उठा करके अब अपना डेली रूटीन में आ रहे हैं, तो कुछ सामान लेना है हमको, यहीं मार्केट नहीं, यहीं दुकान से लेकर के आएंगे, और साथ में दिविशा और शिवम को भी लेके जाएंगे क्योंकि दोनों घर में घुस के बोर हो गया है 4-5 घंटा से, तो उसको भी घुमा के लेके आते हैं। चलिए लेके आओ उसको। हाँ जी, 6 अंडा दे दीजिए और एक रिफाइंड का बोतल दे दीजिए, रिफाइंड का आधा किलो वाला, और ये न्यूट्रीचॉइस बिस्कुट 2 बाबू के लिए। A few moments later, जी दुकान से आ गए हैं सामान खरीद के, और यहाँ पे दिविशा खा रही है अपना फेवरेट बिस्कुट न्यूट्रीचॉइस। Tomorrow, तो सुबह हो गया है और संतोषी अपना काम पे है, पोछा मारने वाली है, वहाँ शिवम उठ गया है, दिविशा सोई हुई है, शिवम कपड़ा भी चेंज नहीं किया, जो
क्या हुआ बेटा? टीवी? अच्छा एक मिनट, दिविशा को उठने तो फिर लगा देंगे, नहीं तो दिविशा उठ जाएगी। हाँ पहले मुँह हाथ धो लो, फिर कुछ खा लो, फिर टीवी लगा देते हैं। सुबह का नाश्ते का तैयारी हो रहा है और रात का सब्जी है गर्म हो रहा है, चाय बनेगा। चलिए जी नाश्ता हो गया और अभी चलते हैं बाजार। तो बाजार तो हमको जाने का मन नहीं था क्योंकि अभी खाने में जो है अंडा बन जाता, लेकिन अभी जा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो सिलेंडर का पाइप है देखिए यहाँ पे हल्का सा लीक हुआ था तो इस तरह से कर दिए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा महक रहा है तो इसलिए एक नया पाइप अभी खरीदने के लेके आएंगे। और यहाँ नीचे रोड में जो है पिचिंग का काम चल रहा है। सिलेंडर पाइप आज है पूरा पिचिंग हो गया है। जब हम बाजार जा रहे थे तो यहाँ नहीं हुआ था, अभी इधर से जाना पड़ रहा है साइड साइड से हमको। मार्केट से आ गया है और यहाँ शिवम को पढ़ रहा है। क्या हुआ, क्यों रोने से मुंह क्यों हो गया तुम्हारा? क्या हुआ? डांटा मम्मी? अच्छा तुम पढ़ाई कर लो फिर तुमको नहीं डांटेगा, ठीक है? तो अब बस नहा धो करके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद खाना खा के ड्यूटी चल जाएंगे। उसके बाद तो 8 घंटा ड्यूटी में रहेंगे तो फिर कोई ब्लॉग व्लॉग शूट कर नहीं पाएंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ये बोलेगी, अगर पसंद आया होगा तो क्या करना है? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका मन है तो। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।